नमस्कार दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वत निर्माण के सिद्धांत के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्वत निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं और हम बात करेंगे कि आखिर भूसन्नति क्या होती है। पर्वत निर्माण के सिद्धांत में हम बात करेंगे कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा करेंगे और आगे चल करके हम एक एक सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि आखिर पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से किन वैज्ञानिकों ने दिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। दरअसल हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर देखें सबसे पहले महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए। उन्हीं तथ्यों में देखें तो हमें देखने को मिलता है कि पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। पर्वत की उत्पत्ति से रिलेटेड कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तथ्य दिए। और जब हम भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं या हम बात करें भूगर्भिक इतिहास के पृथ्वी पर, तो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं कि हमारी पृथ्वी पर चार प्रमुख पर्वत निर्माणकारी हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं, या उनका युग हम देखने को कहते हैं कि चार युगों में हमारे पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। उन युगों के कौन कौन से, तो उसमें बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन है, कैलिडोनियन है, हर्शियन है, वासिस्कन है, और बात करेंगे टर्सेरी या अल्पाइन पर्वत है। लेकिन जो ये पर्वत बने हैं तो बात आती है कि आखिर हमें ये तो हम पता चल गया कि इस तरीके के पर्वत हैं, लेकिन ये पर्वत जो बने हैं वो कैसे बने हैं, उससे रिलेटेड कई सारे सिद्धांत देखने को मिलते हैं। चाहे हम बात करें एफ बी टेलर का सिद्धांत हो, चाहे फिर हम बात करें तो हम देखेंगे वेगनर का सिद्धांत हो या प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हो, ये सभी सिद्धांत जो हैं पर्वतों के निर्माण संबंधित सिद्धांत हैं। लेकिन जो ये हम बात करेंगे भूसन्नति से रिलेटेड जो सिद्धांत होंगे और जो ये सिद्धांत हैं, ये अगर जो हम बात करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। हमने सबसे पहले देखा था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में, हमने देखा था एफ बी टेलर का सिद्धांत हो चाहे वेगनर का सिद्धांत हो, उनका मुख्य उद्देश्य था कि पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति के बारे में बताना, तो वो भी मैंने बताया। और इससे पहले मैंने देखा था कि संकुचन सिद्धांत भी आया था। संकुचन सिद्धांत में लोथियन ग्रीन का हो चाहे वो केल्विन की संकल्पना हो, ये सब सिद्धांत उन्होंने बताए थे। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है इसमें कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, हालांकि भूसन्नति से रिलेटेड कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से समझना है कि आखिर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है। और परीक्षा में इससे भूसन्नति सिद्धांत की जब बात आती है तो बात कोबर की ही आती है, और उससे रिलेटेड कई बार परीक्षाओं में इसे प्रश्न पूछा जाता रहा है। जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत आएगा कि जेफ्रीज का कौन सा तापीय संकुचन सिद्धांत है, उसके बारे में जानना रहेगा। और हम ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं, तो इसमें थोड़ा आपको एक तरीके से आपको इसमें तापीय संकुचन का जो सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आप देखने को मिलेगा कि थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूला का भी आपको थोड़ा बहुत कह सकते हैं, गणितीय संकल्पनाओं के आधार पर ये चर्चा होगी, इसमें हम देखेंगे। और होम्स का तापीय संवहन तरंग सिद्धांत भी हम देखेंगे कि आखिर तापीय संवहन तरंग सिद्धांत क्या है, उसकी बात करेंगे। और जॉली का रेडियो एक्टिविता सिद्धांत हम देखेंगे कि आखिर जॉली का रेडियो एक्टिविता सिद्धांत क्या है, जब हम देखेंगे तो पर्वतों के निर्माण संबंधित ये भी सिद्धांत आएगा। और डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है। इतने सारे सिद्धांत हैं, ये हो सकता है किसी परीक्षा में वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं कि आखिर तापी संकुचन सिद्धांत किसका है, और तापी संवहन तरंग सिद्धांत किसका है, रेडियो एक्टिविता सिद्धांत किसका है, पर्वतों के निर्माण संबंधित ये सब बातें। लेकिन इन सब जो कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, इन सबसे इतर हम बात करेंगे तो पर्वतों के निर्माण में जो आज के टाइम पे जो सबसे प्रचलित मत है वो मत जाता है कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, जो पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि इन सब सिद्धांतों को नकार दिया जाए, लेकिन इन सब सिद्धांतों के अपने अपने कुछ योगदान हैं, जो पर्वतों के निर्माण में अपने अपने योगदान, कुछ सिद्धांत जो होंगे इन सिद्धांतों में कुछ तथ्य मान्य होंगे, कुछ अमान्य होंगे। और हम बात करेंगे कि आखिर जो उनकी आलोचना भी होगी तो किस आधार पर की जाएगी, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, भूसन्नतियों की बात करते हैं। दरअसल महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत मैंने पहले बता दिया हूँ, तो आप लोग उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये बात करेंगे कि आखिर इसके बाद में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। लेकिन कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जानने से पहले और भी कुछ वैज्ञानिक हैं, और मुख्य रूप से आपको ये जानना चाहिए कि भूसन्नति क्या है। लेकिन चूंकि कोबर का सिद्धांत काफ़ी बड़ा है, एक ही डायग्राम में या कहें कि एक ही बार में इसमें अगर जो मैं यहाँ तक बता देता तो फिर वो इतने में आ नहीं पाता। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको मैं बता दूं कि आखिर जो भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति के प्रकार कौन से होते हैं, उन सब की बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे कि बात करेंगे कि आखिर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है। कोबर के जब भूसन्नति सिद्धांत में देखेंगे तो आपको कुछ टर्म याद करने पड़ेंगे, क्रेटोजन, तो और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, और इसे मध्यपिंड की बात होगी, और भी बहुत सारे, तो ये आपको कुछ शब्दावलियाँ रहेंगी, उनको याद करना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन क्या होती है। तो भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन बात करते हैं। दरअसल बात करेंगे कि आखिर
भूसन्नति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो डाना ने किया था, डाना ने। लेकिन चूंकि भूसन्नति शब्द का प्रयोग तो डाना ने किया था, लेकिन भूसन्नति से रिलेटेड जो संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की थी वो हॉल और डाना ने प्रस्तुत की थी। हॉल और डाना ने सबसे पहले भूसन्नति की संकल्पना प्रस्तुत की थी, और आगे चल करके देखेंगे तो एमिल हॉग ने थे जो इस सिद्धांत को, मतलब संकल्पना को सिद्धांत के रूप में बताया। उन्होंने उन्होंने क्या किया था, अपनी एक संकल्पना दी थी और उसको उससे रिलेटेड हॉग ने क्या किया था, उससे रिलेटेड अपना पूरा पूरा सिद्धांत बता दिया था। तो जब भूसन्नति के सिद्धांत की बात करेंगे तो किसका नाम आता है, हॉग का आता है। इन्होंने एमिल हॉग इन्होंने सबसे पहले अपना सिद्धांत के रूप में दिया था। लेकिन सबसे पहले जो इस पे काम किया, मतलब जो इस पे वर्क किया, भूसन्नति से रिलेटेड जो संकल्पना दी वो हॉल और डाना थे, शब्द का प्रयोग डाना ने किया था, ये सब याद रखिएगा। भूसन्नतियों से पर्वतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स भी याद रख सकते हैं। लेकिन चूंकि अब ये तो सब मैंने बता दिया भूसन्नति क्या होता है, तो भूसन्नति भी आपको जानना चाहिए। तो मैं भूसन्नति है क्या, तो अभी हम इस डायग्राम के जरिए आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर भूसन्नति क्या होता है। तो आइए देखते हैं भूसन्नति। भूसन्नति लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं, लंबे सकरे तथा उथली जलीय भाग होते हैं जिसमें तलछट के निक्षेप के जमाव से जिसमें तलछट के निक्षेप के जमाव से तली का धसाव होता रहता है, अर्थात तली में क्या होता है, धसाव होता रहता है, जिसको भूसन्नति कहते हैं। अब इसको आप वैसे तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लंबा सकरा, कोई लंबा हो, सकरा हो, जली स्थली भाग हो जिसमें तलछट का जमाव हो और वो तलछट के जमाव से नीचे धसता रहता हो, भूसन्नति कहलाता है। इससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर कैसे होता है, तो याद रखिएगा भूसन्नति कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ कि आखिर जो वैज्ञानिकों ने अपने तथ्य दिए हैं वो किस आधार पर दिए हैं, तो वही बिल्कुल हम आपको बताएंगे। मेरे पास वही अपना रजिस्टर है, इस रजिस्टर के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उत्पत्ति हुई है। लेकिन आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक भूसन्नति का डायग्राम है। इस भूसन्नति के डायग्राम में जो हम देखेंगे तो दरअसल कोई दो स्थलखंड है, दो स्थलखंडों के बीच का एरिया क्या है कि वो भूसन्नति है। दो स्थलखंड है, एक स्थलखंड इस तरफ है, एक स्थलखंड इस तरफ है, जो मध्यवर्ती एरिया है ये कोई जलराशि है। जलराशि, जब जलराशि का मतलब एक समुद्री कह सकते हैं, समुद्री क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखें तो इस एरिया में ये एक भूसन्नति है। अब इस भूसन्नति का मतलब मैंने बताया सकरे लंबे जलीय क्षेत्र होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो कोई जलीय क्षेत्र होगा तो इसमें बहुत सारी नदियाँ अपने अवसाद ला करके जमा करेंगी। नदियों के अवसाद जमा करने के क्रम में क्या होगा कि अवसाद जो है वो इस भूसन्नति में जमा होते चले जाएंगे, जमा होते चले जाएंगे, और जमा होने के बाद में क्या होगा कि जो जो भूसन्नति है वो धीरे धीरे भरती रहेगी, और अवसादों की वजह से क्या होगा कि उसमें उसकी तली जो होगी काफ़ी भारी हो जाएगी, और उसमें क्या होगा नीचे की तरफ कह सकते हैं धसा होने लगेगा, तली में धसा होने लगेगा। तो इसको हम लोग इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ये स्थल है, इधर भी स्थल है, आगे चल करके इसको फोर लेन बोलेंगे जब हम बात करेंगे जब कोबर में। तो ये हो गया, ये स्थलखंड है, ये स्थलखंड है, इसमें कोई नदी वगैरह आ रही है, नदी क्या करेगी अपने अवसाद जमा करेगी, और इसमें जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये पूरे अवसाद हैं, ये क्या होंगे, इसमें अवसाद नदियां अपने जमा करेंगी। अवसाद जब जमा होंगे तो अवसाद धीरे धीरे जमा होते क्या होगी, इसकी तली में इतने ज़्यादा अवसाद जमा हो जाएंगे कि इसकी तली जो है वो धंसने लगती है। तली का धसाव होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने तल का धसाव है, तो जो ये नीचे नीचे क्या होगा, तल का धसाव होने लगेगा। तल के धसाव की वजह से क्या होगा, पहले दरअसल अगर जो इस डायग्राम को पहले देखें तो कुछ इस तरीके से रहा होगा, इस तरीके से, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा अवसाद जमा होगा कि जो तली थी वो धस करके यहाँ पर आ गई। अब इस तरीके से क्या होगा, तली धस गई और ये पूरे क्या हो गए, अवसाद हो गए। अब इस अवसाद के जमा होने की वजह से क्या होगा कि जब ये नीचे की ओर धसेगी तो सीधी सी बात है, जब ये हिस्सा धसेगा तो ये हिस्सा आपस में पास में आएगा। कैसे, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास में वही एक रजिस्टर है, अब इसमें मान लेते हैं कि जैसे इसको इस तरीके से रखते हैं, तो इस तरह से रखते हैं, थोड़ा सा आपको धसाव का पता भी चल जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर उस तरफ रजिस्टर मुड़ जाएगा। अब आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये स्थलखंड है और एक ये स्थलखंड है, मेरा एक हाथ ये स्थलखंड मान लेते हैं। अब इसमें क्या हो कि इसमें वैसे तो अगर हम इस पर ये रखेंगे मार्कर तो ये नहीं धंसेगा, लेकिन अगर इस पर ज़्यादा वजन डाल दिया जाए, ज़्यादा वजन डाला जाएगा तो क्या होगा कि ये नीचा हिस्सा, इससे क्या होगा, देखिए इस पर कुछ ज़्यादा वजन, वजन का मतलब यहाँ पर आप अवसाद से ले सकते हैं, अवसाद जब यहाँ पर आएंगे और ज़्यादा अवसाद हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हिस्सा नीचे इस तरीके से बैठने लग जाएगा, और जब हिस्सा नीचे बैठने लग जाएगा तो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा नीचे बैठ गया, और ये हिस्सा तो बीच का हिस्सा तो नीचे बैठा जा रहा है, और ये हिस्से जो अगल बगल के हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हिस्से पास आ रहे हैं, ये हिस्से क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं।
पास आने के क्रम में क्या होगा कि इस तरफ से और इस तरफ से एक फोर्स काम करेगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो नीचे हिस्से बैठा हुआ था ये हिस्सा क्या होगा ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये समझिएगा इसको ध्यान से। अभी हालांकि जब कोबर का सिद्धांत आएगा बिल्कुल सेम यही रहेगा, तो हम उसमें बताने की कोशिश आपको करेंगे कोबर में, उसमें कई सारे टर्म भी आएंगे। तो देखिए जैसल होता यह है कि सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये हिस्सा जो था इस पे यहाँ पर नदियाँ वगैरह आ रही थी और ये एक भूसन्नति मान लीजिए, जो रजिस्टर है भूसन्नति, इसको अब यहाँ पर क्या हुआ अवसाद जमा हुए, अवसादों के जमाव से क्या हुआ अवसाद ज़्यादा जमा हो गए, अवसाद जमा हुए तो इसकी तली में क्या हुआ धसाव होने लगेगा, यहाँ पर क्या होगा धसाव होने लगे। ये क्या है भूसन्नति है, ये क्या है भूसन्नति, ये क्या धसाव होने लगा, क्योंकि धसाव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अवसाद ज़्यादा हो गए और अवसाद की वजह से क्या हुआ तली में धसाव हुआ, वजन ज़्यादा बढ़ गया, एक समझ तरीके समझ सकते हैं, तो धसाव होने लगा। अभी धसाव की होने की वजह से जो ये वाला किनारा, मतलब कि जो इस रजिस्टर का ये किनारा है और ये किनारा है, ये आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पास आने की वजह से एक फोर्स इधर से लगेगा एक फोर्स इधर से लगेगा, और जो तली का अब इससे ज़्यादा नीचे तली जा नहीं सकती क्योंकि चूंकि अवसाद जो है वो कह सकते हैं पूरी तरीके से ठोस अवस्था में तो है नहीं, वो एक तरीके से क्या होगा ये ऊपर की ओर क्या होगा जब दोनों तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं, ऊपर की ओर जब उठते हैं तो ऊपर की ओर उठने के क्रम में क्या होता है पर्वतों का निर्माण होता है। और इसमें जब हम बात करेंगे तो जो बात कोबर करेंगे उनका कहने का मतलब ये होगा कि जो इस जो भूसन्नति के इस किनारे का जो ये हिस्सा है इससे यहाँ पर एक फोल्ड होगा और इस किनारे पर भी एक फोल्ड होगा, मतलब कि इस किनारे पर एक फोल्ड, इस किनारे पर एक पर्वत, मतलब कि एक पर्वत इस किनारे पर, एक पर्वत इस किनारे पर, मध्यवर्ती क्षेत्र में एक मध्यपिंड होगा जो एक पठार हो सकता है, कोई समुद्री क्षेत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम आपको आगे चल करके जब बताएंगे। तो ये क्या भूसन्नति, समझ में आ गया भूसन्नति क्या होता है, भूसन्नति कह सकते हैं छिछले समुद्री क्षेत्र होते हैं, सकरे लंबे समुद्री क्षेत्र होते हैं जिसमें अवसादों के जमाव की वजह से, अवसादों का जमाव अवसादीकरण कह लीजिए, चाहे अवसादों का जमाव होता है, अवसादों की जमाव की वजह से जो जो तल है वो उसमें धसाव होता है और धसाव की वजह से पर्वतों का निर्माण हो जाता है, इसी से पर्वतों का निर्माण भी बताया जाएगा आगे चल करके। तो आप याद रखिएगा जो मैंने बताया आपको। तो ये क्या है एक भूसन्नति है, भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन भी कहते हैं। तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने बताया एक स्थलखंड ये है, एक स्थलखंड ये है, इसमें क्या हुआ कि अवसादों के जमाव की वजह से यह हिस्सा नीचे धस गया, यह हिस्सा जब नीचे धस जाएगा नीचे धसने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों हिस्से पास में आएंगे, क्योंकि जितना ये नीचे धसेगा ये हिस्से पास में आएंगे तो दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से क्या होगा ये बीच का हिस्सा एकदम से ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठने से क्या होगा यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा, और ये पर्वतों का निर्माण होगा और इसमें जब कोबर बताएंगे तो उनका कहना था एक पर्वत इस तरफ बनेगा, एक पर्वत इस तरफ बनेगा, मध्यवर्ती जो होगा वो मध्यपिंड होगा जो कि एक कोई पठार हो सकता है, जैसे अगर जो बात हिमालय की करें तो एक तरफ हिमालय है दूसरी तरफ क्यूनलून श्रेणी, मध्यवर्ती क्षेत्र में अगर जो मध्यपिंड की बात करें तो मध्यपिंड जो है वो तिब्बत का पठार है। तो इस तरीके से बताया गया है, हम आगे चल करके इसकी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा सिंक्लाइन क्या होती है, जियो सिंक्लाइन वही क्या होती है मैंने बता दिया आपको। तो ये है जिसमें क्या हुआ तली का धसाव, ये एक सी लेवल है, अवसादीकरण है, यहाँ से नदियाँ अपने अवसाद जमा करेंगी, और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जो हम जियो सिंक्लाइन की जो थ्योरी है उसको सही माने उसके आधार पर देखें तो जो गंगा नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो नदी का जो डेल्टा है वो वहाँ पर अवसादों की जमाव होते जा रहे हैं, अवसादों के जमाव होते जा रहे हैं, तली का धसाव होगा और आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में एक नए पर्वत का निर्माण देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। अब हालांकि अब आगे हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे भूसन्नतियों के प्रकार में, तो अंतर महाद्वीपीय भूसन्नति है, मतलब दो स्थलखंडों, दो महाद्वीपों तथा तो स्थलखंडों के बीच या महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो भूसन्नति हो उसको हम अंतर महाद्वीपीय भूसन्नति कहते हैं। तो अंतर महाद्वीप भूसन्नति मतलब महाद्वीपों के अंतर ही या दो महाद्वीपों के बीच में, तो इसको बोलेंगे जैसे यूराल भूसन्नति है, यूराल भूसन्नति जैसे यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत आप देखना उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है परिमहाद्वीपीय भूसन्नति या महाद्वीपों के किनारे पर पाई जाती है, जैसे अपलेशियन पर्वत आप देखेंगे जो अलबामा प्रांत में यूएसए के पास में हमें कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी यूएसए में जो हमें देखने को मिलता है अपलेशियन, वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिसागरीय भूसन्नति, या इसको स्टील नाम के एक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि इसका नाम सीमांत भूसन्नति भी उन्होंने रख दिया था। इसमें होता है कि महासागरी भागों के किनारों पर, ये महासागरी भागों के किनारे पर जहाँ पर स्थलखंड भी हो अर्थात स्थली भाग का भी किनारा हो वहाँ पर ये भूसन्नतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, और ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप 33 भूसन्नति को ले सकते हैं। तो ये हो गई बात है जैसे परिमहासागरी
भूसन्नति या सीमांत भूसन्नति महासागरी भागों के किनारे पर जहाँ पे स्थलीय भाग भी होते हैं उनका किनारा भी हो, तो उसको परिसागरी भूसन्नति कहते हैं। तो ये भूसन्नति के प्रकार हैं, तीन प्रकार आप याद रखिएगा। हालांकि इसमें और भी डिवीजन करें भूसन्नतियों के तो और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट है नहीं। आपको कोबर की जब हम बात करेंगे, कोबर का जब भूसन्नति का सिद्धांत हम बताएंगे, तो आपको हम इसमें बहुत सारे शब्दावलियों का जिक्र करेंगे। तो श्वासीन वर्ग होगा और भी बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से हैं, तो क्रेटोजन, फोरलेन, तो और भी बहुत सारे इसमें शब्द मिलेंगे। चूंकि ये जो शब्द थे वो जर्मन भाषा से लिए गए थे, तो आपको थोड़ा सा जर्मन भाषा के शब्दों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे ज्योग्राफी में, तो आपको ज्योग्राफी में बहुत सारे जर्मन भाषा के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। चाहे पिंक का ले लीजिए, पिंक का जो भूदृश्य विकास सिद्धांत था उसमें हम लोग पढ़ते थे आबस्ती जिंदे इंक्विकलुंग गलीच फार्मेंगे इंटुकलुंग, तो इस सब तो इंटुकलुंग वगैरह ये सब पढ़ते थे, तो सब जर्मन से शब्द हैं। तो लेकिन आपको भूगोल में आपको जर्मन शब्द तो बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि भूगोल में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो आपको जर्मन, और जब परीक्षाओं में इस तरीके के शब्दों का जब आप जिक्र करेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ आपको चीज़ें पता हैं, आप जान रहे हैं, वो आप सभी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। तो ये रहा आज का सिद्धांत, आज के सिद्धांत की सिद्धांत क्या मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन जब भी आप कभी पर्वतों के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करें, तो ये चार क्रम आप जरूर बताइएगा कि हमारी पृथ्वी पर भूगर्भिक इतिहास में चार प्रमुख पर्वत निर्माणकारी युग हुए, जिसमें प्री कैम्बियन, कैलिडोनियन, हर्सियन वशिष्कन, टर्सियरी या अल्पाइन पर्वत हैं। और पर्वत निर्माणों के उत्पत्ति संबंधित ये सिद्धांत बताए गए हैं। लेकिन अगर जो आपसे भूसन्नति शब्द का जिक्र करें, तो आप बिल्कुल आपको कोबर का सिद्धांत लिखना रहेगा, क्योंकि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे हम आपको बताएंगे। बाकी अगर जो, क्योंकि जेफ्रिज का तापी संवहन तरंग सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न मिलेंगे, और जेफ्रिज का भी तापी संकुचन भी हम आगे चल करके बताएंगे कि आखिर क्या सिद्धांत है। और चूंकि जो सिद्धांत है, जैसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, वो प्लेट टेक्टोनिक के पहले दिया गया था, आगे चल करके जब प्लेट टेक्टोनिक आती, तो इस सिद्धांत के बहुत सारी कमियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।